तो करंटली निशि सिंह कर क्या रही है ऑडियंस को क्या है? और मिल सकता है निशि सिंह से फ्यूचर में क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे ओके सो करेंटली मैं एक सन टीवी का शो कर रही हूँ और उसके अलावा मतलब इंस्टाग्राम पे मैं एनी वेज़ एक्टिव रहती हूँ और फ्यूचर में आई गेस मैं जो करना चाहूँगी आई थिंक वो ब्लॉगिंग होगा जो मैं पिछले तीन चार सालों से प्लान कर Soch रही हूँ <laughs> <हूं>। और सोचती <laughs> रहती हूँ बस कि हाँ मैं अब करूँगी अब करूँगी बट शायद नाउ इट्स अ पीक टाइम कि मुझे वो स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है मतलब मैंने शोज भी इतने सारे किए बट मुझे जो एक किक मिलता है ना वो मुझे इंस्टाग्राम या मतलब जो चीज़ मैं हाथ से हैंडल कर सकती हूँ जो आ, मेरे हाथ में हो जैसे शो में क्या करना है कैरेक्टर वाइज वो मेरे हाथ में नहीं है ना वो तो मुझे वही करना है जो स्क्रिप्ट में तो हुँ. शायद मैं अब फुल ऑन आई थिंक सोशल मीडिया या ब्लॉगिंग एंड ऑल में आना चाहती हूँ ओके <laughs> okay. So, uh, एक तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि आपका घर बहुत ही ज्यादा <laughs> oh, so है thank तो अगर you. पहला वीडियो डालना होगा ना तो आपका होम टूर डालना uh, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है बट आज अगर आप बोल रहे हो तो आई थिंक हो सकता है ठीक um, है मैं ट्राई ऐसे डाला नहीं है कभी भी अपना होम टूर बट हाँ मतलब मुझे थोड़ा चीज़ें सजाना ऑल अच्छा लगता है तो इसलिए ओके, okay. सो yeah. so, जैसे हमने देखा है आपके कैरेक्टर्स भी आ, मतलब वैरायटी कैरेक्टर्स किए हुए तो जब आप मतलब ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे शेयर mm -hmm. करते ही हो ऑडियंस के साथ तो पिछले कैरेक्टर्स में लाइक अब तक जो आपने प्ले किए उसमें क्या फीडबैक मिला आपका और कौन से कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया मेरे अब तक के पूरे करियर का सबसे ज़्यादा जो पसंद किए जाने वाला रोल है जो नेगेटिव ही था ये उन दिनों की बात है का सुनैना का रोल और मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि वो वैसे सास बहू वाला रोल नहीं, नहीं था इट्स कॉलेज गोइंग और 90s के ज़माने का था तो मैं जब 90s में मैं पैदा तो हुई हूँ बट मैं बहुत छोटी थी तो कॉलेज वाली लाइफ मैंने नाइन्टीज़ में नहीं दिए वो अच्छा। तो टू वाला टाइम आ गया ना तो मतलब 96 सिक्स बॉन के हिसाब से वो मैंने वो वाला टाइम नहीं जिया है नहीं। तो वो दोबारा रीप्ले करके लाइफ को जीना मतलब आज से दस साल पहले वाली लाइफ मेरे हिसाब से तो रिबन एंड ऑल ड्रेसिंग करना पॉम पॉम वाला वो लगाना <laughs> स्टाइल एंड ऑल वो मुझे बहुत पसंद था एंड मुझे पर्सनल फेवरेट मेरा

मज़ा आता है ऐसे रोल्स करने में ओके okay. हाँ सो so, uh, अगर आपको चूज करना होगा किसी कैरेक्टर की लाइफ जीनी होगी तो वो कौन सा कैरेक्टर होगा आपने जो प्ले किया रियल लाइफ में हाँ. अगर वैसा मुझे हाँ. जीना हो तो 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 आई गेस आई थिंक सुनैना वाला ही रोल होगा कि आप गुजरो कहीं भी किसी सड़क से और सारे आपके फैन हैं सारे आप बेफिदा हो रहे हैं अच्छा और क्या हो सकता है यार राइट okay. रही right, right. तो उन दो आप मतलब निशी में और आपके उस कैरेक्टर में कोई सिमिलैरिटीज कोई डिफरेंसेस है सिमिलैरिटी है कि हाँ जो उसमें दिखाया गया था कि कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की मैं जब अपने स्कूल में थी या अपने कॉलेज टाइम में थी तो हाँ मुझे भी अब वो लगूँ या ना लगूँ वो अलग बात है लेकिन खुद को वैसा प्रेजेंट करना और जैसे अगर दस खड़े हैं तो दस में से सबसे सुंदर सबसे एलिगेंट सबसे स्टाइलिश कोई दिखना चाहिए तो मैं चाहती ये थी जितना मेरा बजट है उस हिसाब से वो मैं ही होनी चाहिए और मुझे बहुत पसंद था मतलब कि लोग मुझे अटेंशन दें जो मुझे मिल रहा था उसमें आठ दस लोग मेरे पीछे घूमे वाला तो मुझे वो पर्सनल लाइफ में भी अच्छा लगता है किसे नहीं पसंद होता है मतलब आप अच्छे दिख रहे हो अटेंशन है हाँ सिमिलरिटी जो नहीं है वो ये है जैसे उसमें थोड़ा ज्यादा ही नैना के लिए सुनैना मीन होती है मतलब उसके रिबन बैकलेस रिबन क्या होता है वो डोरी हाँ। वो कट कर देना एंड थोड़ा ज्यादा रूड वाला मैं वैसी नहीं हूँ नहीं, नहीं वैसी तो नहीं हूँ हाँ मतलब मुझे हेल्प भी मैं करती हूँ मतलब उतनी मीन नहीं हूँ बट अगर मेरा ऐसा एक नेचर है जैसे मेरे साथ जो अच्छा है मैं उसके लिए बहुत अच्छी हूँ Mm -hmm. अगर आप सामने से मुझे सो कॉल्ड एटीट्यूड दिखाओगे mm -hmm. ना तो फिर मैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ ये मेरा एक सबसे गंदा पार्ट है जो मैं खुद नहीं चाहती कि कभी बाहर आए मतलब मेरा कहते हैं ना दोस्ती वाला मैं बहुत अच्छी पर मेरा दुश्मनी अगर हो गई तो मेरा एक पीक है मतलब मैं शायद उस बंदे का जिंदगी में मुंह ना देखना चाहूँ कभी एट एनी कॉस्ट मेरे अंदर है ये या तो मैं बहुत प्यार करती हूँ प्यार मतलब कि मैं नॉर्मल भी रहूंगी बट किसी ने अगर दिल को ऐसे हर्ट कर दिया ना तो ब्लॉक तो विद इन द सेकेंड में कर दूंगी मतलब सारे जगह से बट हमें उस इंसान को चलते फिरते अगर मेरे मुँह के सामने भी आ गया ना मैं इग्नोर मारूँ मेरे लिए फिर एग्जिस्ट नहीं करता वो इंसान और ऐसे हार्डली कुछ लोग हुए अब तक की लाइफ में मेरा अदरवाइज मेरा झगड़ा लड़ाई ये सब नहीं होती बिग बॉस वाली <laughs> मेरी तो है मेरी तो है और डंके की चोट पे ये वाली क्वालिटी है मेरे अंदर और मैं डिनाई नहीं करती यार देखो आई कॉन्ट बी लाइक गुड इन एवरी वन बुक वाला हुँ सीन हुँ है ना मैं कैसे हो सकती हूँ और मुझे होना भी नहीं है क्योंकि मैंने रोल भी वैसे ही किया आज तक <laughs> तो, तो जैसे लाइक like, आपका पिछला शो हमने देखा आ, मतलब पिछला नहीं तितली जो शो था तितली हाँ उसमें भी कैरेक्टर कुछ मतलब उसमें भी अलग ही वेरिएशन थे उस उसके उसका में। भी ग्रे शेड था जिसमें वो एट अ टाइम वो पॉजिटिव है बट नेगेटिव सिर्फ तितली के लिए होती है वो और उसके भी अपने पर्सनल हैं क्योंकि घर की इकलौती बेटी वो थी फिर तितली आ जाती है घर पे बचपन से ही तो वो एक इकलौती वाला फील उसका चला गया फिर मम्मी मेरे से ज्यादा उसे प्यार कर रही है मेरी हर चीजें बट रही है तो अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे हिरल नाम था मेरा उस शो में तो हिरल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत नहीं है वो ह्यूमन नेचर है कोई भी होगा तो उसके साथ ये होगा, बट हाँ चीज थी है, एक हीरोइन को मासूम और बेचारी आप तभी दिखा सकते हो जब एक विलन सामने खड़ा हो अदरवाइज वो हीरोइन खुद ही विलन होगी नहीं तो तो वो ठीक है मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने कोई भी रोल और मुझे अच्छा लगता है मेरे को रोने धोने वाले रोल से तो ज्यादा अच्छा ये लगता है करने को बहुत कुछ होता है So, uh, उस शो में जैसे कि हमें पता ही हाँ, है कि अच्छा खासा रियलिटी शो चल रहा है एंड हाँ, आप भी बहुत फॉलो करती हो राइट सो so, uh, उस शो में आपके एक दोस्त हैं अविनाश तो उनके गेम के बारे में क्या कहोगे आप अविनाश के बारे में मैं ये कहूँगी कि बहुत ही सही खेल रहा है बिग बॉस के इस सीजन को एक जो मतलब धक्का मार के जो पुश किया है किसी ने जहां से सीजन थोड़ा लोगों ने देखना चालू किया या फिर अब तक जब तक सब सो रहे थे उसने जो जगाने का काम किया वो अविनाश ने किया है आपने उसका देखा था एलिमिनेशन जो हुआ था और एलिमिनेशन के बाद जब वो आया है अंदर धमाकेदार मतलब जेल में अब तक के पूरे जितने भी लोग जेल में गए उन्हें उन बेवकूफों को गेम ही नहीं आया समझ में मतलब वो इतना क्लियर गेम था कि भाई साहब जब आप जेल में हो जेल है वो देखा जाए तो वो जेल नहीं लॉटरी है आपकी मतलब जेल में आपके पास सारा राशन आपको कंट्रोल करके पूरी तबाही मचा देनी है मतलब घर में जो सिर्फ और सिर्फ अविनाश ने क्रैक किया और क्रैक तो छोड़ो क्रैक तो चलो हो गया तो उसके बाद तो कम से कम उसके नक्शे कदमों पे चल लेते लोग तब भी नहीं चल पा रहे हैं मतलब वो जेल में जा रहे हैं हां जी लो लो अरे भाई तुम्हें रियलिटी शो में ये बिग बॉस ने जेल ये राशन क्यों बनाया है सबको ऐसे भंडारा बांटने के लिए थोड़ी बनाया है उन्होंने कुछ तो गेम सोचा ही सोच होगा तो अविनाश आप उसे देखो वो नहीं देना चाहता था विलेन हूँ मैं ऐसा नहीं था वो मुंह से बोल रहा था मैं विलेन हूं बट वो जो अपनी चीजें रख रहा था वो बहुत सही थी कि भाई तुम मेरी बात तो सुनो hmm. अब अगर मैं तुम्हें चीजें दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल गलत इल्जाम था ठीक है इतनी लड़कियों के साथ वो काम कर चुका है आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जिसने ऐसा कोई इल्जाम लगाया होगा hmm. तो इसका तो ये डेफिनेटली मतलब है कि वो लड़का बहुत अच्छा है डिसेंट है कोई अनसेफ और सेफ वाला गेम ही नहीं है ठीक है ठीक है उसका एक हाइपरनेस है लेकिन सामने वाला भी तो भड़क रहा है ना वो अकेला पागल थोड़ी है कि बोला जा रहा है वो तो गेम जो है गेम फैक्टर के हिसाब से अविनाश इज़ अ गेम चेंजर और मुझे अच्छा लगता है चाहे वो गुस्सा कर रहा है चाहे वो जो भी कर रहा है मज़ा आ रहा है और वहाँ पे गए हो तो वहाँ क्या खाने पीने खाने, सोने थोड़ी गए हो यार कुछ तो करो कुछ तो ऐसा करो जिससे मजा आए और उसने जो बैंड बजाई है सबकी मुझे मजा आ रहा है और देखो उन्हें ही मज़ा नहीं आ रहा है जो बेवकूफ़ है Uh, सबसे पहले अविनाश की लड़ाई विविन के साथ ही हुई थी। वो आलू वाले का तो अविनाश ने अविनाश तो मुझे ऐसा लगा था कि, कि क्या बेतुकी बातें कर रहा है कि चार आलू है अठारह लोगों में बटेंगे कैसे बट सकते हैं भाई एक एक चम्मच आलू है वो चॉकलेट थोड़ी एक चम्मच के मन को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा बेटर ना कि अठारह लोगों से अच्छा है कि जो वहाँ पे खड़े हैं वो चार पांच लोग ही खा ले ऐसा तब हाँ। मुझे अविनाश गलत लगा था कि क्या कर रहा है यार अविनाश ये थोड़ी होता है तू भी खा लेना बल्कि दूसरे को क्यों पूछने जा रहा है इक्वल इक्वल उसे समझ में आ गया लेकिन हाँ। तुरंत ही आया उसे समझ में कि लोगों को इक्वेलिटी और ये 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 कोई नहीं रहता सब हाँ। गेम खेलने आए हैं कोई बैक बैक से खेल रहा है पीछे बैठ के दूसरे के कान भर के दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के चला रहा है और कोई अप फ्रंट होके खेल रहा है उसके बाद आप देखो सीधे विवियन के साथ उसने ये वाली बात की लेकिन अब दोनों की जो दोस्ती मैंने देखा जबकि करणवीर विवियन का दोस्त पहले से है बट उनके आप देखना उनके दोस्ती वाला कोई बॉन्ड और कुछ है नहीं।, नहीं।, नहीं विवियन ने फिर भी ट्राई किया था बट करणवीर इज लाइक उसके मुंह पे तो वो उसका दोस्त दोस्त रहता है बट पीछे से ना वो बहुत ही विवियन को मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सनल वार अटैक दूसरों के कान भरता है मतलब कि ताकि जैसे शिल्पा जी हुई या कोई भी की आप विवियन के खिलाफ मैं तो नहीं बोलूंगा जुबान मेरी होगी नहीं शब्द मेरे होंगे जुबान आपकी हो। होगी वैसा और अविनाश का मुझे बहुत सही लग, लग रहा हाँ। है गेम प्लान की जिसके साथ बन रही है उसकी सुनता भी है ईशा हाँ। की ऐसा नहीं है कि वो ऐसे पागलों की तरह ही रहता है वो सुनता भी है चाहे ईशा जब उसे समझा रही होती है या विवियन भी कुछ बोल रहा होता है वो जिनके साथ सुनना है उनकी सुनता है जिसकी नहीं सुनना है वो नहीं सुनता है बहुत अच्छा चल रहा है वो So, जैसे आपने कहा कि आ, उस, उन पर इल्जाम भी लगा कि हाँ. वो की सेफ नहीं है of of मेरे से तो ऐसा, कभी किसी ने भी फील नहीं किया होगा हमारे शो में मतलब मैं भी... मूड रहता है होता होता बहुत ही मतलब ऐसे टाइम पास वाला कि अगर मान लो हमारे सीन नहीं है ना तो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बैठाएगा बैठ मेरे से गप्पे मार मेरे ऐसे गप्पे मार और जब तक कि कोई सीन में बुलाने ना आए चाहे वो एक घंटे हो दो घंटे हो बैठ के गप्पे मार नहीं। मार कुछ भी बकवास कर पर बोल <laughs> कुछ भी कुछ भी फालतू की बातें करो पर बोलते रहो कुछ तो बोलो या कुछ वो बातें करेगा या मतलब वो अच्छा बंदा है मेरे को ऐसा लगता है कि जो है आप मुंह पे रहना इज वे क्लियर एंड वो बहुत क्लियर है अपने गोल्स को लेके अपनी चीजों को लेके मतलब चाहे वो एक्टिंग हो बहुत लॉयल है काम के लिए ठीक है और एक चीज के लिए और भी बहुत क्लियर है मैं बता दूँ कि फालतू लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ने वाला इंसान मुझे लगता है वो हाँ। है क्योंकि एक जो होते हैं ना और वो जो चेप वाले की हर किसी को इंप्रेस करने के लिए लग जाना वो फ्लर्ट करता है बट फ्लर्ट आई थिंक लिमिट नहीं हेल्दी फ्लर्ट मजाक मस्ती हाँ. चलेगा जो एक चुलबुलापन होता है ना वैसा कि आपने जेल पे देखा होगा वो चढ़िया था जेल के दरवाजे पे वो करना या चाहे वो शिल्पा जी की एज की कैटेगरी हो हाँ. या ईशा की एज की वो एक डिसेंसी के साथ ना बहुत अच्छे से मजाक मस्ती करेगा डांस वांस करेगा फुल ऑन अपना वो दिखाना एंड इज सेल्फ कहते हैं ना सेल्फ प्राउड है उसे बहुत ज्यादा है जो कि अच्छी चीज है अच्छी चीज़। मतलब मैं नहीं मानती कि बुरी चीज है अपने आप पे ध्यान देना अपनी बॉडी पे ध्यान देना अपनी चीजों को अच्छे से प्रेजेंट करना और ये एक अच्छी चीज मुझे लगती हाँ। है कि एक इंसान के अंदर जो आप अपने आप को ही पसंद नहीं करोगे तो दूसरों को कैसे करोगे पहले पर्सनैलिटी वैसी बहुत अच्छी है अच्छी है मतलब जो बेवकूफ टाइप के लोग है जो खुद की बातों पर नहीं रहते लाइक रजत ये लोगों को वो पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनका तो खुद का ही कोई पॉइंट ही नहीं, ना? नहीं ना? है ना वो थाली का बैंगन है अभी चाहत अच्छी लग रही है चाहत की खुद ही बैंड बजा दी कोई मतलब ही नहीं हुआ ना ऐसी बातों का एक स्टैंड तो लो कि हाँ भाई मैं अगर इसके साथ हूँ जैसे आप ये चीज ईशा वाले और अविनाश के ग्रुप में देखो या विवियन भी विवियन पहले इनके साथ नहीं था पर विवियन जब आया

जितनी दिख रही है और कोई मेरी एक आ चीज़ लेके गया ना भाड़ में गई डिसेंसी उसके मैं सच में बता रही हूँ उनकी पर्सनल चीज़ें छुपा देनी चाहिए इन्हें तो जब आप हाँ। राशन का ग्रीन टी छुपा दे रहे हो हम हाँ, मुझे सबसे गंदी वाली अभी तक की जो वाइब लगी है विच इज सारा की मतलब आई डोंट नो बट मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई अच्छा उसका जो भी मैं क्या कौन सा वो था माइंड कोच hmm. माइंड कोच को आई थिंक अपनी वाइफ को ज्यादा कोचिंग देने की जरूरत है उनका माइंड बिल्कुल स्टेबल नहीं चल रहा है भाई साहब <laughs> किस लेवल पे गिर रही है वो किस लेवल पे <laughs> तो वो तो निकला एंड ना आई गेस ये भी जल्दी जाएंगी बट हाँ इनका जो चल रहा है ईशा अविनाश एलिस मतलब इन तीनों के साथ कहते हैं ना तीन में एक इंसान को रखा या नहीं रखा बराबर लग रही है उसका खुद का स्टैंड कोई नहीं है तो निशी आपके ऑडियंस को मतलब अगर आप बोलना चाहेंगे कि उनको हाँ। आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट्स वाइज या Uh, कुछ भी और फ्यूचर में तो क्या बताना चाहिए देखो मैं अगर मेरे से आप एक्सपेक्ट जो कर सकते हो फ्यूचर में वो फर्स्ट ये होगा कि मैं शायद अभी टीवी एंड ऑल करके मैं थोड़ा बोर हो गई हूँ एंड मैं खुद भी कोशिश तो कर रही हूँ आप सबको पता है कि एक्टिंग लाइन में इतना ईजी नहीं होता है और मैं भी कोई बड़ी बड़ी फालतू की बातें नहीं करूँगी अरे ऐसे मिला है काम नहीं मिलता भाई बहुत ऑडिशंस देने पड़ते हैं डेफिनेटली हम हर एक चीज़ के लिए हर एक दिन नया एक एग्ज़ाम देते हैं बट सेलेक्ट होना नहीं होना मेरे हाथ में नहीं होता है मैं करना तो चाहती हूँ बट टी मतलब हो जाएगा तो मैं पैसे वाइज तो अच्छा है अगर मैं पैसे वाइज नहीं सोचू तो मेरा मन सीरीज या मूवीज करने का ज्यादा है जिसके मैं ऑडिशंस भी दे रही हूँ और उसके अलावा जो मैं अपने पसंद की चीज करना चाहूँगी वो शायद मैं सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग वगैरह करना या यूट्यूब पे मैं शायद ब्लॉग बनाऊँ या शॉर्ट वीडियोज एंड ऑल तो ये तो मैं बनाती ही हूँ बट हाँ मैं फुल टाइम मतलब डेली ब्लॉगिंग वाला टाइप जो होता है ना मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि जो मैं सोच रही हूँ तीन चार सालों से बट आई थिंक कि अब मुझे करके देखना चाहिए मुझे मजा आता है आई थिंक वो शूट करने में क्योंकि उसमें तो आप रियल रहते हो ना एंड बींग रियल बींग निशी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है रहना ओके ऑल द बेस्ट हम वेट uh, करेंगे कि आप ब्लॉग वगैरह शुरू करें उसके लिए एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के Thank लिए थैंक यू थैंक यू सो मच